देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने कैंसर की नकली दवा बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है, जो कि कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने और इसे बेचने का काम करता था। इस सिंडिकेट के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इन लोगों के पास से कई देसी विदेशी कंपनियों की दवाइयां भी बरामद की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। कैंसर, नाम सुनते ही अच्छे अच्छे संपन्न लोगों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है, इसमें लंबा इलाज चलता है, बेइंतहा पैसा खर्च होता है, फिर भी मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी तो कैंसर का इलाज करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बीमारी का इलाज कराने में मिडिल क्लास आदमी का घर बार सब बिक जाता है, और पैसे वालों की बात करें तो लाखों रुपए खर्च करके भी वो अपने मरीज की कई बार जान तक नहीं बचा पाते। एक तो इस खतरनाक बीमारी से लोग वैसे ही खौफ खाते हैं, ऊपर से कुछ पैसों के लालची लोग इसे आपदा में अवसर की तरह देखते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इंसानियत के कुछ ऐसे दुश्मनों को धर दबोचा है, जो कैंसर की नकली दवाइयां बेच रहे थे। पुलिस ने कैंसर इलाज के दौरान होने वाली कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने और इसे बेचने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस रैकेट में शामिल है। इनमें 2 भारतीय, 7 विदेशी कंपनियों की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं इनके पास से। खास बात यह है कि जो दवाइयां पकड़ी गई हैं, उनकी इस मात्रा की असली दवा की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में इन लोगों ने अपना गोदाम बना रखा था, जहां से ये नकली दवाएं पैक करके सप्लाई किया करते थे। पकड़े गए अपराधियों के पास से क्राइम ब्रांच ने $19,000 और 89,50,000 कैश भी रिकवर किया है। जी हाँ, पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीद कर उसमें 100 रुपए की नकली दवा भरते थे और फिर उसी शीशी को बाजार में 1 से 3 लाख रुपए में बेच देते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले इनके नामों का खुलासा किया और बताया कि विफिल जैन, सूरज शात, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान को अरेस्ट किया गया। इनमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार में छापेमारी कर परवेज को पकड़ा गया। परवेज एक नामी कैंसर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट रह चुका था। वो अस्पताल के पास ही डॉक्टर फार्मेसी के नाम से अपनी दुकान चला रहा था, जिसमें कोमल तिवारी उसका पार्टनर था। परवेज ही विफिल जैन और 2 और कस्टमर्स को भरी हुई वायल्स अवेलेबल कराता था। ये एक नामी कैंसर अस्पताल की मिक्सिंग यूनिट में काम कर चुका है। कोमल और अभिनय दोनों 2013 से नामी अस्पताल में काम कर रहे थे और यही दोनों 5,000 रुपए में परवेज को ब्रांडेड कंपनियों की खाली शीशी लाकर देते थे। यूपी के बागपत से ताल्लुक रखने वाला विफिल जैन दिल्ली आकर पहले मेडिकल स्टोर पर काम करता था, फिर होलसेल मार्केट से लोकल मार्केट में दवा सप्लाई करने लगा। उसे 3 साल पहले ही आइडिया आया, इसी ने ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशियों का काम परवेज को और सप्लाई का काम नीरज को सौंपा। ये ब्रांडेड कंपनी की खाली शीशी में 100 रुपए की एंटी फंगल दवा फ्लूकोनजॉल भरता था और मार्केट में ब्रांड के हिसाब से 1 से 3 लाख रुपए में बेच दिया करता था। वहीं वेस्ट बंगाल से दिल्ली आया सूरज शात जैन के मोतीनगर वाले यूनिट का केयरटेकर था। ये खाली शीशी को भरता और सील करता था। बागपत का नीरज चौहान ग्रेजुएट है, जिसने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स किया हुआ है। गुड़गांव और दिल्ली के नामी अस्पतालों में 2006 से 2022 तक ये काम कर चुका है। ये लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने की गारंटी देता था। इनके अलावा तुषार जैन के जरिए भगीरथ पैलेस और नीरज के बताए कस्टमर्स को भी नकली कैंसर की दवा बेचने का काम करता था। इस बड़ी कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी क्राइम शालिनी सिंह ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। इसमें करीब इन्होंने 4 करोड़ के नकली कैंसर की दवाएं बरामद करी हैं। इसमें टोटल अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। एक टीम हमारी बिहार में भी रेड कर रही है और वहां से भी आगे चेन के कुछ लोगों को मिलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें दिल्ली और गुड़गांव में से हैं। उसमें जो इनके में मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने सबसे पहले 2 फ्लैट्स मोतीनगर में लिए थे। उन फ्लैट्स में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी जहां पे कैंसर की नकली दवाएं भरी जाती थी। ये करते ये थे कि जो कैंसर के हॉस्पिटल में जो दवाएं यूज होती हैं उनके जो एम्प्टी वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है।
लेकिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे और वो वहां से ये खरीद लिया करते थे। इसमें मदन इनके कुछ हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग भी थे जो इनकी मदद करते थे, जो कैंसर के दवाओं के डिस्ट्रक्शन यूनिट में जो लोग काम कर रहे थे वो वहां से इनको वायल्स निकाल के दे दिया करते थे बिना डिस्ट्रॉय किए, और ये वायल्स खरीद के इसमें ये नकली दवाएं भर के दोबारा से उनको सील करके और मार्केट में बेच देते। दिल्ली के मोती नगर के बाद गुड़गांव के साउथ सिटी में भी एक फ्लैट से आरोपी नीरज चौहान को पकड़ा गया, जिससे भारी मात्रा में 7 नामी विदेशी कंपनियों के कैंसर के नकली इंजेक्शन और वायल्स मिले। असली दवा के तौर पर इनकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। नीरज के साथ इनका एक कजन तुषार चौहान भी पकड़ा गया जो सप्लाई चेन का हिस्सा था। क्राइम ब्रांच ने इनसे 89 लाख कैश, $18,000 और कैश गिनने की मशीन बरामद की। कैंसर कितनी क्रिटिकल और जानलेवा बीमारी है ये हम सब जानते हैं। अपने परिजनों के कैंसर के इलाज के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके भी दवा की शीशी में पानी निकले तो भला कैसे मरीज की जान बचेगी। लिहाजा ऐसे इंसानियत के दुश्मनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस जमात के बाकी अपराधियों को भी सबक सिखा सके और ये लोग इंसानियत के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।